नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जेडीयू एमएलसी राधा चरण सेठ का जो मुश्किल है वो कमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, कल उनके घर पे जो ईडी की टीम है वो पहुंची थी और खूब जांच पड़ताल हुआ, खूब पूछताछ हुए। उसके बाद राधा चरण सेठ जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं उनको जो ईडी की टीम है उन्होंने हिरासत में लिया और कल उन्होंने पटना के ईडी कार्यालय में रात बिताई है। देखिए, आज उनको सुबह में मेडिकल करवाया गया, उसके बाद उनको पटना के जो एमपी एमएलए कोर्ट है वहाँ पर पेश किया गया और उसके बाद जो राधा चरण सेठ हैं उन्होंने दलीलें रखी कि उनके सीने में दर्द है और उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, उसके बाद जो जज साहब हैं वो फैसला सुनाया, पर उनके जो एडवोकेट हैं क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। कोर्ट का आदेश यही है कि सर को अभी नीचे करने की हिरासत में लिया गया है। कितने दिनों का लिया गया है? अभी तो हम लोग पेपर का ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर अभी कल सर्टिफाई अभी चुकी टाइम हुई है। बेउड़ गया या फुलवारी? अभी तो हम ऑर्डर देखने के बाद चला रहे हैं। कितने दिन का? 14 दिन बताया जा रहा है, 14 दिन का है क्या? और एक मिनट, मेडिकल मामले में क्या कोर्ट ने कोई आदेश कुछ बोला कहा है क्या मेडिकल को लेकर? मेडिकल उपचार की भी उसमें कुमार राजेश रंजन मामला क्या था? मामला बालू से जुड़ा मामला बताया जा रहा है, क्या उसी में हुई है? ऑर्डर हम लोग निकलवा रहे हैं, सर्टिफाई कॉपी निकाल कर कोर्ट में उन्हें ईडी ने उपस्थित कराया। ईडी के अधिवक्ता ने सभी ईडी के अधिवक्ताओं ने अपनी बात रखे, बात रखने के बाद उन्होंने अपने कहा कि वे ईडी को सहयोग संतोषजनक नहीं कर रहे हैं, उन्हीं के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया। ऐसा कोई भी आरोप माननीय राधा चरण सेठ जी पर, एमएलसी साहब पे ईडी द्वारा नहीं लगाई गई है। क्या कहाँ रखा जाएगा उन्हें? अभी तो यहाँ से अब ऑर्डर शीट देखने के बाद ही हम लोग बताएंगे, क्योंकि ऑर्डर शीट टाइम ज़्यादा हो गई इसलिए थोड़ी लेट हो गई है। कल हम लोग ऑर्डर शीट देखकर फिर भी बताएंगे। मेडिकल के बारे में कुछ बताया है? हाँ, मेडिकल के लिए राधा चरण साहब माननीय एमएलसी साहब ने अपनी बढ़ती उम्र के हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि मुझे बीपी की बीमारी है, शुगर की दवाई खा रहे हैं और हार्ट की भी प्रॉब्लम है। उन्होंने अपने जज साहब के सामने अपनी स्वास्थ्य की बात रखी। अभी तो उन्हें अब ऑर्डर शीट देख कर ही हम बताएंगे कहाँ लेके आए। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? एडवोकेट राजेश रंजन बख्शी। तो अभी आपने सुना क्या कुछ जानकारी दिए हैं वो आपने सुना है, पर सूत्रों के हवाले से मिली खबर है कि उनको बेउर जेल में रखा जाएगा, 14 दिन तक न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना होगा, पूछताछ भी किए जाएंगे। और जब राधा चरण सेठ ने सीने में दर्द की बात जताई है तो साफ शब्दों में कहा गया है कि जो जेल का अस्पताल होगा वहाँ पर उनका चेकअप किया जाएगा, उसके बाद उनको अगर वो वहाँ से संतुष्ट हैं या फिर डॉक्टर संतुष्ट हैं तो वहाँ रहेंगे, नहीं तो फिर उनको जो पटना के किसी बड़े अस्पताल में भी शिफ्ट किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी दे रहे थे एडवोकेट, हमने आपको सुनवाया है। देखिए, लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं लाइव सिटीज़ के माध्यम से कि किस तरीके से राधा चरण सेठ के आवाज़ पे छापेमारी हुई थी, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उनको जो पटना के ईडी कार्यालय है वहाँ पर रखा गया था और आज उनको पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में भी पेश किया गया। आपको बता दें कि राधा चरण सेठ पे आरोप है टैक्स छुपाने का और अवैध बालू खनन करने का। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।